हेलो, आई एम अंजलि भंडारी फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ऑफ 7, चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, पार्ट 2। इन टुडे सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं वो किया था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन किया था, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किया था, कैसे कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एडिंग फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन। इतना हमने किया है, उसके अकॉर्डिंग आज हम सम करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, कितने? 5। हाउ मेनी? 5। सो हियर 3/5 वन ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमें बोल सकते हैं ऐसा। मैंने आपको बोला था जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है, ओके, सेम नंबर से। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये फर्स्ट मेरे 3/5 इज इक्वल टू 3/5। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है सेम नंबर से। मैं पहले ले रही हूँ 2, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। मैंने लिया 2, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10। तो ये हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला। क्लियर? अब सेकेंड लेते हैं। तो हियर 3/5 इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई, अब हम लेते हैं 3 नंबर, तो मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। सो 3 × 3 = 9 / 5 × 3 = 15। तो ये हमारा सेकेंड इक्विवेलेंट मिला फ्रैक्शन। हमें टोटल 5 लाने हैं। अब मैं ले रही हूँ 3/5 इज इक्वल टू 3 × 4 = 12, सो 12 × 5 = 20। तो ये हमें थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला। अब फोर्थ काउंट करते हैं। 3/5 इज इक्वल टू 3, अब मैं ले रही हूँ 5, 5 × 5 = 5 इज इक्वल टू 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25। तो ये हमें फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला। अब नेक्स्ट 3 × 5 इज इक्वल टू 3 × 6 / 5 × 6, 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 30। ये हमारा फिफ्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सो यहाँ हमने 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लिए। फर्स्ट हमारा क्या था, 6/10, सेकेंड 9/15, ये रहा, थर्ड 12/20, फोर्थ 5 = 18/30। ये हमारे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व। हमें सॉल्व करना है सारे सम। हमने प्रीवियस क्लास में एडिंग फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन किया था, उसके स्टेप्स थे 3। फर्स्ट स्टेप्स उसमें क्या था, हमें डिनोमिनेटर को फर्स्ट सेम करना होता है। सेकेंड स्टेप क्या था, न्यूमेरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना,
और थर्ड सिंप्लीफाई करना है। तो हम आज वो ही करेंगे सर। फर्स्ट है तो हम पहले फर्स्ट में यहाँ लिख लेती हूँ, 2 - 3/5 है। ओके अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2/1 - 3/5 ऐसे लिखती हूँ। हमारा फर्स्ट क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मैंने क्या बोला, हमारा डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर मतलब ये यहाँ डिफरेंट है, तो हमें पहले उसको सेम करना पड़ेगा। तो हम सेम कैसे करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम क्या होगा, यहाँ एलसीएम क्या होगा, यहाँ एलसीएम हमारा 5 होगा। आपको आता ही है एलसीएम फाइंड करने के लिए। ओके चलो अब हम एलसीएम हमें पता चल गया 5, तो हम सेम कर देते हैं हम डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्या होगा, 2 - 5/1 - 5 - 3/5 एज इट इज, बिकॉज इसका सेम है एलसीएम। चलो अब करते हैं, इज इक्वल टू 2 - 5 = 10, 1 - 5 = 5 - 3 - 5। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर। देखो दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम आ चुके हैं। सेकेंड स्टेप क्या करने का, टॉप में जो क्या दिया है हमें, न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर को क्या करना है, साथ में करना है। तो न्यूमेरेटर को हम क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, 10 - 3/5 ऐसे लिख सकती हूँ। सो हियर इज इक्वल टू 10 - 3 क्या होता है, 7/5। तो ये हमारा आंसर 7/5। यहाँ हमारा आंसर 7/5 आ चुका है, बट आपको ऐसा पूछे कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ तो क्या करना पड़ेगा हमें, 7/5, 5 - 5, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। ये हमारा क्वेश्चन और ये हमारा रिमाइंडर, मैं आपको सिखाया था मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ क्वेश्चन हमारा 1 है, फिर रिमाइंडर 2 और डिनोमिनेटर तो हमारा 5 है। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम सेकेंड सम करेंगे। सेकेंड सम में क्या है, 4 + 7/8। चलो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, सेकेंड क्या है, सेकेंड 4 + 7/8। चलो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4/1 + 7/8। फर्स्ट स्टेप एडिंग फ्रैक्शन का क्या था, फर्स्ट हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। सो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ एलसीएम क्या होगा हमारा, 8 होगा, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो यहाँ एलसीएम मैंने लिया 8। चलो अब हम करते हैं स्टार्ट, हियर 4 - 8/1 - 8 + 7/8। अब हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, 4 - 8 = 32, 1 - 8 = 8 + 7/8। फर्स्ट स्टेप क्या था, डिनोमिनेटर सेम करने थे, हमने कर लिए। सेकेंड स्टेप क्या था, हमें अब न्यूमेरेटर को ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं, सो हियर 32 + 7/8 = 39/8। ओके अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 39 और यहाँ 8, 8 4 32, 0 और 7. सो रिमाइंडर मेरा क्या आया? 4. और क्वेश्चन क्या आया? सॉरी, रिमाइंडर 7, क्वेश्चन क्या आया? 4. तो हम लिख सकते हैं ऐसे, पहले क्वेश्चन लिखना होता है 4, फिर रिमाइंडर, फिर डिनोमिनेटर. तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन 2 का आ चुका है. अब थर्ड करते हैं. थर्ड, 3/5 + 2/7. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डिनोमिनेटर हमें सेम करने होते हैं. तो पहले लिख लेती हूँ 3/5 + 2/7. चलो हम पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं. तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम. एलसीएम यहाँ क्या होगा? 35. 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 35. चलो हियर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो ही 35 आएगा. प्लस 2 × 7, सॉरी 2 × 5/7 × 5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं. इट्स इक्वल टू 3 × 7 = 21 / 5 × 3 × 5 = 35 + 5 × 2 = 10 / 7 × 5 = 35. फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, डिनोमिनेटर सेम लाने थे, हमने ला लिए. अब सेकेंड स्टेप था, हमें न्यूमरेटर को ऐड करना है. तो इज इक्वल टू 21 + 10 / 35. सो हियर 21 + 10 तो क्या आता है? 31/35. तो ये हमारा आंसर है. फोर्थ सम करेंगे अभी. क्या है फोर्थ सम के अंदर? 9/11 - 4/15. चलो फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ 9/11 and 4/15. लिख लिया. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ. तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा? 11 × 15 करेंगे तो उसका एलसीएम क्या आएगा? 165. ओके चलो यहाँ 9 × 15 करना पड़ेगा. वेट, 9 × 15 करना पड़ेगा, यहाँ 11 × 15 करना पड़ेगा. -4 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 × 11, तो ही दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे. सो हियर 9 × 15 क्या आएगा? 135. 11 × 15 क्या आएगा? 165. सो लिख लो 165. -4 × 11, 41. 15 × 11, 165. फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. अब हम करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का. तो 135 − 44 / 165. सो हियर 135 − 44 क्या होता है? 91 / 165. तो ये हमारा आंसर आ गया है फोर्थ का. क्लियर? अब हम करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ.
7 upon 10 plus 2 upon 5 plus 3 upon 2. तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं. पहले लिख लेते हैं 7 upon 10 plus 2 upon 5 plus 3 upon 2. एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, हियर 10, तो यहाँ एलसीएम मेरा आया 10. चलो स्टार्ट करते हैं 7 upon 10 एज इट इज बिकॉज एलसीएम 10 है. 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो जाएगा. सेम एज यहाँ 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5. चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले. इज इक्वल टू 7 अपॉन 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 2 मल्टीप्लाई 10 10, 2 मल्टीप्लाई 5 10. तो यहाँ फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, डिनोमिनेटर सेम आ चुके. अब हम न्यूमेरेटर को ऐड कर लेंगे. इज इक्वल टू 7 प्लस 4 प्लस 15 अपॉन 10. 7 प्लस 4 प्लस 15 तो क्या आएगा 26 अपॉन 10. तो यहाँ कटिंग होगा, कुछ होगा. तो यहाँ कैसे कटिंग करेंगे हम, 5 टू जा 10, 13 टू जा 26. सो रिमेनिंग क्या बचा इज इक्वल टू 13 अपॉन 5. चलो अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. यहाँ 5, 13, तो 5 टू जा 10, बचा क्या 3. तो ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा रिमाइंडर. तो इसको कैसे लिखे, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं फिर 2, रिमाइंडर को लिखते हैं फिर डिनोमिनेटर. तो ये हमारा आंसर है. अब हम करेंगे सिक्स्थ. सिक्स्थ में क्या दिया है, 2 upon 3 plus 3 1 upon 2. तो पहले तो मुझे मिक्स फ्रैक्शन है दिया गया है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. चलो तो पहला स्टेप हम वो करेंगे, उसके बाद हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, न्यूमेरेटर वो सब कुछ बाद में करेंगे. चलो तो पहले मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेती हूँ. आप लोग को प्रीवियस क्लास में मैंने सिखाया था, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो. चलो पहले हम कर लेते हैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट. तो आपको सिखाया था मैंने, फर्स्ट हमें क्या 3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो क्या आता है 6. 6 को जो आंसर है उसको न्यूमेरेटर से ऐड करते हैं अपॉन 3. तो क्या आता है इक्वल टू 6 प्लस 2 8 अपॉन 3. ओके अब सेम एस यहां भी कर लेते हैं. यहां कैसे करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 6 प्लस न्यूमेरेटर हमारा 1 है अपॉन डिनोमिनेटर. चलो तो यहां क्या होगा 6 प्लस 1 7 अपॉन 2. चलो ये अभी आ चुका है ये फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में. अब इसको हमें फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. तो यहां मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा. तो यहां मैं एलसीएम क्या लूंगी 6. तो हियर 8 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 3. 8 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 16, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 7 मल्टीप्लाई 3 21,
2 multiply 3, 6. दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, अब सेकंड स्टेप क्या है? न्यूमेरेटर को ऐड करना है. तो 16 अपॉन 21 अपॉन 6, ऐसे लिख सकती हूँ. तो क्या आएगा? 16 अपॉन 21 क्या होता है? 37 अपॉन 6. अब 37 अपॉन 6 को हम मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं. 6 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है? 36, 0, 1. सो ये हमारा क्या है? रिमाइंडर. ये क्वेश्चन. तो कैसे लिखते हैं इसको? क्वेश्चन को फर्स्ट, रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर 6. तो ये हमारा आंसर है. अब 7th. 7 के अंदर क्या दिया हुआ है? 8 1 अपॉन 2 माइनस 3 5 अपॉन 8, ऐसा दिया हुआ है. तो हम पहले क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. चलो सॉरी वेट 8 1 अपॉन 2 माइनस 3 5 अपॉन 8. पहले हम कन्वर्ट कर लेते. 2 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है? 16 प्लस 1 17 अपॉन 2. 8 मल्टीप्लाई 3 24 प्लस 5 29 अपॉन 8. अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ? 8. सो स्टार्ट हियर. 7 को 17 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 29 मल्टीप्लाई 8. 17 मल्टीप्लाई 4 68, 2 मल्टीप्लाई 4 8 29 अपॉन 8 एज इट इज. हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. अब हम न्यूमेरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं साथ में. 68 माइनस 29 अपॉन 8, तो क्या आएगा? 68 माइनस 29 39 अपॉन 8. अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं. 8 4 जा 32. सो हियर 0 7 9 माइनस 2 7. ये मेरा रिमाइंडर और ये क्वेश्चन. सो इट्स इक्वल टू, पहले लिखते हैं क्वेश्चन फिर रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर. तो ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2. अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगर टू स्मॉलर नंबर. ओके, उसके अंदर फर्स्ट हमें दिया है 2 अपॉन 9, 2 अपॉन 3, 8 अपॉन 21. उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर में लिखना है. बट पहले यहाँ जो दिया गया है उसके डिनोमिनेटर हमें सेम करने पड़ेंगे, तो ही हमें पता चलेगा कौन सा नंबर बिग है और स्मॉल है. चलो यहाँ हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. क्यों? डिनोमिनेटर सेम करने. सो यहाँ एलसीएम क्या होगा? 9, 3 और 21 का 63 एलसीएम उसका होगा. चलो अब हम वन बाय वन करते हैं. पहला क्या है यहाँ देखो, 2 अपॉन 9 को लिखते हैं, उसका एलसीएम सेम मतलब मल्टीप्लाई कर. 2 अपॉन 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेट, 2 अपॉन 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 के साथ. तो ही 63 आएगा. 2 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है? 14.
अपॉन 9 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है 63। अब सेकेंड नंबर लेते हैं, सेकेंड नंबर कौन सा है 2/3, 2/3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 21, 2 मल्टीप्लाई 21 42, 3 मल्टीप्लाई 21 63। अब थर्ड नंबर, एट और 21, एट एंड 21 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, 21 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 21 मल्टीप्लाई 3 63। चलो यहां देखो, पहले सबके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, अब हम आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ बिगर नंबर कौन सा है, ये वाला फर्स्ट, ये आएगा 42/63, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर ये आएगा 24/63 और थर्ड 14/63। तो यहाँ हम लोग ने डिनोमिनेटर सेम किए तो हमें पता चल जाता है कौन सा नंबर बड़ा है और छोटा है। तो फर्स्ट हमारा 42/63 मतलब 2/3 हमारा बड़ा है, फिर 24/63 तो 8/21 आएगा, 14/63 तो क्या आएगा 2/9। चलो अब लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे 42/63, 24/63, 14/63 आर द डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे 14/63 कौन सा नंबर है उसके सामने, ये वाला, तो 2/3 लिखेंगे। फिर 24/63 किसके कौन सा नंबर है, 8/21 तो हम लोग लिखेंगे 8/21। फिर 14/63 के वहां कौन सा नंबर है, 2/9 तो 2/9। तो ये जो आंसर आया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही करना है, अभी फर्स्ट में हमने किया डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगर टू स्मॉलर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ एलसीएम क्या होगा, 5, 7 और 10 का 17, 70 वो हमारा एलसीएम होगा। चलो फर्स्ट नंबर हम कौन सा लेंगे, ये वाला 1/5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 के साथ, 14 5/14 तो ही 17 आएगा ना, तो 1 मल्टीप्लाई 14 5 मल्टीप्लाई 14 70। चलो अब सेकेंड नंबर कौन सा है, 3 and 3/7 तो लिखते हैं अभी सेकेंड 3/7 उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ, तो ही हमें पता चलेगा, तो ही हमारा 70 एलसीएम है वो आएगा। 3 मल्टीप्लाई 10 30 7 मल्टीप्लाई 10 70। अब थर्ड कौन सा है, 7/10 लिखो यहाँ, 7/10 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 10 मल्टीप्लाई 7 तो क्या आएगा 49/70। चलो हमें तीनों दिन नंबर्स के हमने डिनोमिनेटर सेम कर ले, अभी तो बहुत इजी हो गया, हमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा है, बिग है, स्मॉल है, बड़े हो। चलो यहाँ देखो, फर्स्ट 49/17 बिगर नंबर है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा,
30 अपॉन 17, फिर थर्ड कौन सा आएगा, 14 अपॉन 70, चलो 14 अपॉन 70 मतलब 7 अपॉन 10, 13 अपॉन 70 मतलब 3 अपॉन 7, 14 अपॉन 70 मतलब 1 अपॉन 5। चलो अब लिखते हैं हम लोग, यहाँ मैंने लिखा है 14 अपॉन 70, 13 अपॉन 70, 14 अपॉन 70 आर द डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। चलो 49 अपॉन 70, उसके बाजू में कौन सा नंबर है, 7 अपॉन 10, तो यहाँ लिखा मैंने 7 अपॉन 10। 13 अपॉन 70 ये रहा, उसके सामने कौन सा नंबर है, 3 अपॉन 7, तो लिखो 3 अपॉन 7। 14 अपॉन 70, 14 अपॉन 17 ये रहा, इसके सामने कौन सा नंबर है, 1 अपॉन 5, तो राइट डाउन 1 अपॉन 5, तो यही हमारा आंसर है। 7 अपॉन 10, 3 अपॉन 7, 1 अपॉन 5 आर डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके क्लियर।